पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा वाली झूठी वाहवाही ले रहे हैं, इन लोगों को शर्म तक नहीं आती। आरक्षण के मामले में जनता को मूर्ख बनाकर खुशी मनाने में लगे हैं। भाजपा ने पिछड़ा वर्ग को मिला हुआ अधिकारी छीनने का काम किया है। भाजपा नया अध्यादेश लेकर आई जो नियम के विरुद्ध था, बाद में जब लोग कोर्ट गए तो वापस ले लिया गया। कांग्रेस पार्टी जो जीतने लायक उम्मीद समन्वय बना के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तय किया है कि हम ओबीसी के मिले हुए अधिकारों पर, ये इंटरनल व्यवस्था है, पर संवैधानिक रूप से जो दर्जा मिला था, जो अधिकार मिला था, अगर कोई सीट आरक्षित थी तो वहां सिर्फ आरक्षित वर्ग का ही व्यक्ति चुनाव लड़ता, उसको अगर किसी ने छीनने का काम किया है तो भाजपा के नेताओं ने किया है, भाजपा के सरकार ने किया है, कूट रचित करके नया अध्यादेश लाके जो नियम संगत नहीं था और वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। कोर्ट में लोग गए, कोर्ट में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की और झूठी वाहवाही ले रहे, सम्मान करवा रहे, शर्म नहीं आती।